नमस्कार और स्वागत है आपका रेसिपी फ्रॉम इंडियन किचन में। आज की रेसिपी है एक होली स्पेशल ड्रिंक ठंडाई। ठंडाई होली की एक और स्पेशलिटी है जो कि जनरली होली पर बनाई भी जाती है और बड़े मज़े से पी भी जाती है। तो चलिए आज हम लोग ठंडाई बनाते हैं, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने 7-8 काजू ले लिए हैं और उतने ही बादाम हैं, और इसके साथ मैंने ये 15-20 किशमिश ले ली है और हरी इलायची है 6, और इसके अलावा मैंने यहाँ 15-20 काली मिर्चें ले ली हैं, ये साबुत खड़ी काली मिर्चें, और ये 1.5 टीस्पून खसखस के बीज हैं, और इसी के साथ मैंने 1.5 टीस्पून खरबूजे के बीज ले लिए हैं, 1.5 टीस्पून सौंफ है, और ये नॉर्मल सौंफ है, और इसी के साथ मैंने ये 8-10 केसर के धागे ले लिए हैं। आप चाहें तो केसर के धागों को अवॉइड भी कर सकते हैं। ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अलावा मैंने पिस्ते का भी इस्तेमाल किया है, जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गई थी। अब हम सभी अपने इंग्रेडिएंट्स को, जो काजू, बादाम, किशमिश और इलायची थी, उसके साथ ये खरबूजे के बीज और खसखस के दाने, सौंफ, काली मिर्च, ये सौंफ और जो केसर है उसके भी धागों को, हम सारी चीज़ों को एक साथ एक बाउल में ले लेंगे और इसे हम पानी डाल करके भिगो करके रात भर के लिए रख देंगे। आप पानी इतना डालें जिससे कि सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो सभी इसमें ईजिली भीग जाएं। केसर के धागों को हम भी इसी वक्त भिगो दे रहे हैं जिससे रात भर में केसर अपना फ्लेवर और कलर दोनों पानी में छोड़ देगा। ये देखिए, ये मैंने 10-12 पिस्ता भी भिगो करके रख लिए थे साथ में ही, और ये देखिए अब हमारा रात भर भीगने के बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सभी फूल करके काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं सभी, और केसर ने भी अपना रंग छोड़ दिया है, किशमिश भी देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। अब ये हमारा रेडी है पीसने के लिए, तो अब इसे हम छान करके अलग कर लेंगे, पानी हम अलग ले लेंगे, और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स थे उन्हें मिक्सर ग्राइंडर की जार में डालेंगे, साथ में जो पिस्ता था उसे भी डालेंगे, और वो जो मेरा नीचे का केसर या पानी था वो अलग मैंने एक बाउल में ले लिया है, और अब इस केसर या पानी को थोड़ा थोड़ा ग्राइंडिंग जार में डाल करके हम अपने सभी इंग्रेडिएंट्स का बिल्कुल फाइन एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, लेकिन हम चूँकि कंसनट्रेट बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा लगेगी, मैंने 4 बड़े चम्मच चीनी के लिए हैं। इसे भी हम बिल्कुल अच्छे से 1 मिनट तक ग्राइंडिंग जार में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए अब ये हमारा फाइनल मिक्सचर है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद जो भी मिक्सचर हमारा मिक्सर ग्राइंडर की जार में और उसके लिड में लगा होगा उसमें हम थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, और उसे बिल्कुल अच्छे से हम साफ करके इसी बाउल में जिसमें कि हमने पहले से मिक्सचर रखा है उसी में डाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अभी हमारा मिक्सचर रेडी है, लेकिन अभी इसे हमें स्ट्रेन करना है, और स्ट्रेन करने के पहले हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे, ताकि जो साबुत अगर कोई चीनी हो वो बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए, और 10 मिनट के बाद हम फिर इसे स्ट्रेन करेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए बाउल के ऊपर एक मैंने मोटी छलनी रखी है, अब उसके अंदर हमें अपने इस जो मिक्सचर रेडी किया है हमने उसे डाल देंगे, और डालने के बाद एक चम्मच की सहायता से दबाते हुए हम इस मिक्सचर को इसमें से छान लेंगे। छानने के बाद ये देखिए ये मोटे छिलके और जो चीज़ें नहीं पिसी थी वो छन्नी में रह गई, और नीचे मेरा बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर निकल करके बाउल में इकट्ठा हो गया है। अब हमारा ये बेसिक मिक्सचर रेडी है, अब हमें इसी से अपनी ठंडाई को तैयार करना है। इस मिक्सचर को आप तैयार करने के बाद इसे इजीली आप किसी बॉटल में भरकर 2-3 दिन तक रेफ्रिजरेट करके रख सकती हैं, और अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको ठंडाई बनानी हो तो आप उसे कैसे तैयार करेंगी। तो जब आपको ठंडाई बनानी हो तब आप उसके लिए
अपना सर्विंग ग्लास ले लें। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सर्विंग ग्लास ले लिया है। जिस चम्मच की सहायता से आप सब्ज़ी निकालती हैं, जो टेबल स्पून है उससे भरकर मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून अपना तैयार मिक्सचर ले लिया है। बस आपको इसमें अब कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस चिल्ड इसमें हमें दूध ऐड करना है, ये देखिए इस तरीके से। और दूध के साथ ही मैंने यहाँ मलाईदार दूध का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ठंडाई में मलाई ना हो तो मज़ा नहीं आता। और बिल्कुल अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और अब इसे गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स और रोज़ पेटल्स के साथ, और बर्फ़ डाल करके चिल्ड सर्व करेंगे ये ठंडाई। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ठंडाई की रेसिपी।